हेलो एवरीवन, दिस इज मी सूरज। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज का प्लान ये है कि हम जा रहे हैं साकेत। कहाँ पे? चंपा गली। तो काफ़ी सुना है इसके बारे में कि यहाँ पे रेस्टोरेंट्स और स्ट्रीट वॉल पे काफ़ी अच्छी पेंटिंग वगैरह है, तो इंस्टाग्राम में जो फोटोज़ वगैरह लेते हैं ना, उसके लिए बेस्ट प्लेस है। तो एक्सप्लोर करते हैं। अभी हम निकले हैं मेट्रो स्टेशन से और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस अराउंड 700 मीटर्स है, तो वॉक करके जा सकते हैं। तो लेट्स एक्सप्लोर। खाली होना तो प्लीज़ आप बता रहे हैं यार, बड़ा लग्जरी प्लेस लग रहा है। तो जगह खेला का जो भी एम्बियंस है काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो वी हैव ऑर्डर समथिंग लाइक अंग्रेजी चाय। लेट्स एक्सप्लोर कि अंग्रेजी चाय है कैसी, अभी पी के बताएंगे आपको। लक्की भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? आपने व्यूज दो ना बताओ क्या फील है? ऐसा लग रहा है कि अलग ही दुनिया में आ रहा है। मुझे नहीं पता दिल्ली में भी ऐसी जगह है कुछ अलग। बहुत सी चीज़ें देखी हैं बट यहाँ के अलग सा लग रहा है कुछ, तो उसे कह सकता हूँ अलग। और खाने के बारे में क्या बताओगे? अभी जब खाओगे तब खाके वो तो पता, तभी पता चलेगा कि क्या टेस्ट है क्या टेस्ट नहीं। वी हैव ऑर्डर टू शेक एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। साला सारा मुंह का टेस्ट ही बिगाड़ दिया यार। अब आखिर तो एक ही चीज़ है, तो देखो यहाँ आना हो तो बातें करने के लिए आओ, बाकी यहाँ फालतू में आने की ज़रूरत नहीं है। जो व्यूज़ है एक बैठ के बातें कर सकते हो, बाकी खाने पीने की चीज़ में इतना नो मज़ा नहीं है बिल्कुल भी। वो तो कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे, टेस्ट तो बिल्कुल नहीं, बाकी ये थोड़ा बेटर है। जगमग ठेले में जाके ऐसा लग रहा है ठुल्ले बैठे और वहाँ पे ऐसा लग रहा है पैसे लूट के आ गए। अरे मेरे कद्दू यार, मेरा कद्दू आएगा। हम उन्हें लूटने नहीं, हम खुद लूट कर आ गए। हकीकत में आऊंगा, यहाँ आऊंगा बट अकेला नहीं, किसी के साथ आऊंगा नेक्स्ट बार जब भी आऊंगा। और
बातें करने आऊँगा और कुछ चीज़ें खाने पीने नहीं आऊँगा बस। तो अगर खाने पीने आ रहे हो ना तो जेब में पैसे होने चाहिए और ढंग के, ठीक है। और हल्का फुल्का खाने का सोच रहे हो ना तो भी मिनिमम टू मिनिमम आपको 200 के ऊपर ही खाने का मिलेगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है लिटरली बताऊँ। और मैं सोच रहा था ब्लॉग बनाऊँगा, किस पर बनाऊँगा, तो इतना ही बन पाया। तो इसी को इंजॉय करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और इससे अच्छा ब्लॉग लाऊंगा आई एम डैम श्योर। ये इतना अच्छा रिव्यू नहीं था मेरा, ठीक है। पर्सनली बताऊं तो मुझे ये जो चंपा गली है बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बस कुछ है अगर पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रही है इंस्टाग्राम के लिए तो पिक्चर वर्थी है यार, एंजॉय करो आके, बस आके एंजॉय करो, पिक्चर्स लो अच्छी अच्छी और उसके बाद घर चले जाओ, ठीक है। सुनाओ अभी हम भी घर जा रहे हैं, मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, चंपा गली।